फ्रेंड्स आईपीएल 2020 की ट्रेड विंडो शुरू है लगभग एक डेढ़ या फिर दो महीने से भी अधिक समय हो चुका है और अब ये ट्रेड विंडो लगभग क्लोज होने वाली है। इस दौरान हमें काफ़ी सारी ट्रेड्स की खबरें सुनने को मिली थी, देखने को मिली थी, लेकिन केवल चार ही ट्रेड अब तक पॉसिबल हो पाई है। और अब जब इस ट्रेड विंडो के आखिरी कुछ समय या फिर आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं तो अभी हमें एक और ट्रेड की खबर सामने निकल कर आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक और ट्रेड अभी भी हो सकती है या फिर ये ट्रेड लगभग हो चुकी है। अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना ही बाकी है। जहाँ हमने देखा था MI यानी मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन की सबसे पहली ट्रेड करी थी, इसमें दिल्ली कैपिटल्स के साथ मयंक मार्कंडे और रदरफोर्ड को एक्सचेंज किया था। इसके बाद MI की टीम ने ट्रेड विंडो के आखिरी कुछ दिनों में ट्रेंट बोल्ट को भी अपनी टीम में ट्रेड किया था, यानी अपनी दूसरी ट्रेड करी थी। इसके बाद MI की टीम अपनी तीसरी ट्रेड भी ये ट्रेड विंडो क्लोज होने से पहले करने जा रही है या फिर ये टीम कर चुकी है। अब बस इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना ही बाकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर MI की टीम कौन सी तीसरी ट्रेड इस ट्रेड विंडो की अपनी करने जा रही है और कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में लेगी, क्या बेनिफिट होगा और कौन सा प्लेयर MI का जाएगा किसी और टीम में। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे अपडेट्स इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमेशा की तरह वीडियो में अंत तक जरूर बने रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते IPL 2020 का सीजन तो नीचे का लाइक का बटन जो होगा उसको जरूर दबा दें और हमारे चैनल को जरूर कर दें सब्सक्राइब। फ्रेंड्स जब से IPL में ट्रेड विंडो का सिस्टम आया है MI की टीम ट्रेड विंडो में या फिर प्लेयर्स को ट्रेड करने में काफ़ी अधिक बिलीव करती है। हमने पिछले सीजन देखा था इस टीम ने दो बड़ी ट्रेड करी थी, इसमें जयंत यादव, इसके अलावा इस टीम ने डिकॉक को लिया था। डिकॉक को केवल 2.8 करोड़ में लिया था और पिछले सीजन वो इस टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे। यानी MI की टीम ट्रेड में काफ़ी अधिक बिलीव करती है, इसी वजह से इस सीजन भी ये टीम काफ़ी अधिक ट्रेडें कर रही है। दो ट्रेडें तो ये टीम ऑलरेडी कर चुकी है और जो दो ट्रेडें करी है उसमें हो सकता है इनकी जो दूसरी ट्रेड है और पहली ट्रेड है ये दोनों ही प्लेयर इस सीजन अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने में सफल हो, क्योंकि इनके पास दो क्वालिटी प्लेयर आ चुके हैं। इसमें रदरफोर्ड और ट्रेंट बोल्ट दोनों ही ओवरसीज क्वालिटी प्लेयर इनके पास आ चुके हैं। अब ऑक्शन में ज़्यादा कुछ खरीदने के लिए इनके पास बचा नहीं है। उसके अलावा ये टीम एक और बड़ी ट्रेड कर चुकी है या फिर अपने लास्ट स्टेज पर है। MI की टीम के पास पिछले सीजन कुछ इंडियन बॉलर की कमी थी, इनके पास बरिंदर सरन था, इसके अलावा इनके पास राशिद सलाम था, लेकिन राशिद सलाम को BCCI ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है और बरिंदर सरन पिछले सीजन पूरी तरह फ्लॉप थे। तो ये टीम इन दोनों को इस ऑक्शन में रिलीज करने वाली, इस टीम को चाहिए था एक इंडियन बॉलर। हालांकि ये टीम ऑक्शन से जाने से पहले ही उसकी कमी लगभग दूर कर चुकी है। जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग MI की टीम राजस्थान रॉयल्स के धवल कुलकर्णी को अपनी टीम में ट्रेड कर चुकी है और अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाली है। हो सकता है आज या फिर कल हमें इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद देखने को मिले। रिपोर्ट बड़ी वेबसाइट से आई है तो हम मान सकते हैं कि ये फेक नहीं है और हो सकता है ये टीम धवल कुलकर्णी को ट्रेड कर ले, क्योंकि धवल कुलकर्णी की प्राइस 2018 के ऑक्शन में केवल 75 लाख रुपए ही थी और MI के पर्स में करंटली 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो ये टीम इजीली वो प्लेयर ट्रेड कर सकती है और राजस्थान रॉयल्स की टीम तो वैसे ही जेदे उनटकट और धवल कुलकर्णी को बाहर करना चाहती है तो उन्हें कोई इशू है नहीं ये ट्रेड करने में। तो फ्रेंड करंटली ये ट्रेड MI की टीम कर चुकी है या फिर करने वाली है, ऐसी कुछ रिपोर्ट है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि MI को इस ट्रेड से बेनिफिट होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।